हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं कमेंट्स पर हमेशा वीडियोस बनाता रहता हूं, तो मुझे एक आदित्य चौधरी नाम से एक भाई ने कमेंट किया और उसने क्या बोला कि भाई आप हमें इस वाले एम्पलीफायर को डायरेक्ट बैटरी और एडप्टर दोनों की सहायता से चला करके दिखाओ, मुझे कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने इस वाले वीडियो को मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो पर मैं आपको इसका पूरा कनेक्शन बताऊंगा। और देखो, जिन लोगों को भी अपना कमेंट पर वीडियो बनवाना है तो वो नीचे कमेंट कर देना, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और हमारे एचजीसी शॉर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको एचजीसी शॉर्ट्स पर मिलेंगे और इसकी मेकिंग वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन डायग्राम्स के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर इसका सर्किट डायग्राम अवेलेबल मैं करवा सकता हूँ। तो चलो, ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं तो आपको यहाँ पर कनेक्शन बता रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, वरना आपसे मिस्टेक होगा और आप बार बार बोलोगे कमेंट करके। तो देखो, यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना होगा कि इस पर हम पावर सप्लाई कितने एम्पियर लगाएंगे या कौन सा हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका पिन आउट कैसे कहाँ पर कनेक्शन होगा, कि क्या क्या लगेगा। यहाँ पर देखो, ये है वी इनपुट और ग्राउंड, यानी कि आप यहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट दोगे और मैक्सिमम 5 एम्पियर दोगे, 15 एम्पियर भी दोगे, तो ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेस भी मिलेगा जितना आप एम्पियर ज़्यादा लगाओगे। दूसरा हमारा देखो, लेफ्ट, ग्राउंड और राइट, ये हमारा ऑक्स केबल के लिए है, जो आप लगातार ब्लूटूथ से भी दे सकते हो और साथ में आप अलग से ऑक्स केबल्स के थ्रू भी आप इसमें म्यूजिक को प्ले कर पाओगे। और यहाँ पर देखो, ये है आउटपुट माइनस और आउटपुट माइनस, यानी दो आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलते हैं, राइट चैनल के लिए और दूसरा लेफ्ट चैनल के लिए। मॉडल नंबर आप देख सकते हो गोल्ड 601E, जो कि आपको इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एक बार बाय भी कर सकते हो अगर साउंड क्वालिटी आपको अच्छा मिले तो। अब इसे कनेक्शन कैसे करना है, तो देखो मैं आपको जैसे बता चुका हूँ शॉर्ट्स वाले वीडियो पर कि आपको यहाँ पर दो तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका हमारा होगा ट्रांसफार्मर से हम इसे कैसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगभग आदमी के पास होते हैं, एडेप्टर शायद ना मिले और मार्केट पर लगभग दिखने को भी मिल जाता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफार्मर के लिए कैसे कनेक्शन किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको एक ट्रांसफार्मर चूज करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर 12 वोल्ट की तो लोगे, लेकिन एम्पियर कितने के लोगे। तो देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर 0-12 और 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास 12-0-12 ट्रांसफार्मर है तो आप मेरे इस वाले वीडियो को देख लेना, इस पर मैंने बता दिया कि एम्पलीफायर के साथ कैसे 0-12 कनेक्शन कर सकते हैं 12-0-12 ट्रांसफार्मर से। तो इसे ये देखो, ये है हमारा प्राइमरी कॉइल और ये है हमारा सेकेंडरी कॉइल, यानी कि इससे हम 220 वोल्ट एसी इनपुट देंगे और यहाँ से हम 0-12 आउटपुट लेंगे। अब ये डायरेक्ट कनेक्शन मत करना, वरना क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की वजह से ये डायरेक्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आ रहा है डीसी नहीं, एसी 12 वोल्ट, और हमें यहाँ पर करना होगा इसे टीसी पर। तो डीसी पर कन्वर्ट करने के लिए सीधा है कि हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर रेगुलर मिलते भी हैं, आप मार्केट पर जाओगे तो बना बनाया हुआ मिल जाएगा, कैपेसिटर भी नहीं लगाना होता है, बस डायरेक्ट यूज करना होता है, लेकिन मेरे पास है तो मैं आपको बना करके बता रहा हूँ, शायद आपको ना मिले। तो देखो, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 6 एम्पियर वाला डायोड, आपके पास यह ना हो तो 6 एम्पियर का नहीं लेना, 3 एम्पियर का ले लेना, 5408 मैं वैल्यू बता रहा हूँ, और उसे आप बाय करके आप इसे ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हो। और आप सर्किट डायग्राम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको इसका सर्किट डायग्राम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने टोटल 1, 2, 3, 4, 5 मैंने डायोड इस तरीके के यूज किए हैं, और साथ ही यहाँ पर हमें लेना होगा एक कैपेसिटर, क्योंकि अगर सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हो तो जो ये डायोड है, डायोड से ये कभी भी ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट नहीं होगा। पूरी तरह से प्योर डीसी बनाने के लिए हमें कैपेसिटर लगाना होता है। कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, 35 वोल्ट 4700, यानी 35 वोल्ट और 4700 UF का कैपेसिटर लेना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर 2 एम्पियर का है, मैं यहाँ पर 4 एम्पियर का कैपेसिटर यूज करने वाला हूँ। अब चलो मैं तुरंत से ब्रिज रेक्टिफायर पहले बना लेता हूँ और उसके आगे फिर आपसे बात करते हैं। भाई, यहाँ तक मैंने आपको कनेक्शन बता दिया है, अब क्या करना है कि अब यहाँ पर हमें लगाना होगा ट्रांसफार्मर का वायर। तो जो हमारा सेकेंडरी वाला वायर रहेगा, देखो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है आपके वाले पर, शायद हो सकता है कि 0 और 12 ना लिखा हुआ मिले, तो कोई टेंशन मत लेना, दोनों में से कोई भी दोनों वाले वायर को हमें इस वाले पॉइंट पर लगाना है, इस वाले पॉइंट पर। आप अच्छी तरह से यहाँ से देख सकते हो, ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्शन किया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार टेलीग्राम को चेक कर लो, वहाँ पर आपको इसका डायग्राम मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने ये पहले बना लिया। अब जो दोनों ये ट्रांसफार्मर के जो वायर है, इन दोनों को हमें एक एक करके एक यहाँ पर और एक हमें यहाँ पर सोल्डर करना है। कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले पिन पर एक डायोड कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन कर देना, बस ये ट्रांसफार्मर और आउटपुट आपका 12 वोल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसे कर लेता हूँ,
अब यहाँ पर जो डायोड है उसे तो मैंने लगा दिया। अब देखो यहाँ पर आपको इस तरीके के दो वायर की जरूरत पड़ने वाली है, दोनों में से दोनों को इस तरीके से पैरेलल कनेक्शन कर देना। अब जो ये वाला दो वायर है ये दोनों पर आपको ध्यान से समझना है। पहला क्या करना पड़ेगा कि ये जो आप ग्रीन वाली पट्टी देख रहे हो ये हमारा पॉजिटिव मान लेते हैं और ये वाला हमारा नेगेटिव मान लेते हैं। तो इसे क्या करना होगा, इसे हमें लगाना होगा हमारे इस वाले ब्रिज एक्टिव फायर पर। तो नेगेटिव को यहाँ पर लगा देंगे और पॉजिटिव को हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा इस वाले पॉइंट पर। अब जो यहाँ पर देखो दो आउटपुट हमें देखने को मिल जाएंगे। अब ये दो आउटपुट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा लग जाएगा डायरेक्ट एम्पलीफायर के जो पावर सप्लाई है उस वाले पिन पर, और जो ये वाला दूसरा पिन रहेगा ये वाला वायर ये हमारा लग जाएगा 12 वोल्ट बैटरी पर जो आप यूज कर रहे हो। इससे यह होगा कि आप जब भी इसे चार्ज पर लगाओगे यानी कि ट्रांसफार्मर से जब पावर दोगे तो उस टाइम पर क्या होगा कि बैटरी भी चार्ज होगा और साथ में आपका एम्पलीफायर भी वर्क करेगा। अब दूसरे कंडीशन पर होगा कि अगर लाइन अगर चल जाता है यानी कि आप पावर कट ऑफ कर देते हो तो उस टाइम पर क्या होगा कि बैटरी भी लगातार चलता रहेगा, तो उससे भी आप इसे यूज कर सकते हो। और एक बात बता देता हूँ, जब आप इसे पावर सप्लाई पर यूज करोगे आप यहाँ पर एक स्विच का यूज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर जो बैटरी का वायर जाएगा ना तो बैटरी वाले वायर पर एक स्विच लगा देना। जैसे कि ये मैंने जो डबल वायर किया हुआ है जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अभी, देखो ये जो डबल वायर है तो पॉजिटिव वाले पिन पर यानी इस वाले पॉइंट पर आपको सोल्डर कर देना है, और जो बैटरी वाला पिन होगा ये वाला तो बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से एक पर आप बैटरी स्विच लगा देना और वहां से डायरेक्ट बैटरी पर कनेक्ट कर देना। इससे यह होगा कि अगर आप बैटरी को यूज नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट ये एडाप्टर से ये डायरेक्ट चल जाएगा, और साथ ही जब बैटरी से यूज करना तो स्विच दे देना, उससे क्या होगा कि बैटरी भी चार्ज होगा और साथ में आपका जो एम्पलीफायर है वो भी काम करेगा। तो चलो मैं इसे भी कनेक्शन करता हूँ और बैटरी को भी मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ, और ये आउटपुट वाले पिन है तो यहाँ पर स्पीकर को कनेक्ट करके टेस्ट करेंगे। 2000 years later. तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि पूरा कनेक्शन जो है वो मैंने कर लिया है, बस बैटरी लगाना बाकी है। चलो मैं स्पीड में आपको बाकी का कनेक्शन बताता हूँ। जैसे कि मैंने ऑक्स केबल को लगाया तो देखो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके का आरसी केबल का जो सॉकेट होता है उसे मैंने यूज किया है, और इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया राइट लेफ्ट और ब्लैक वाला ग्राउंड के हिसाब से यहाँ पर मैंने कनेक्शन किया हुआ है। मैंने बैटरी का तो बता ही दिया। आउटपुट पर मैंने दो स्पीकर लगाए हैं, एक ये छोटा वाला 3 वाट का स्पीकर है और एक यहाँ पर सबवूफर है जो हमारा 70 वाट और 4 ओम्स का है, और इसे मैं आपको आज टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। सामने यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी है। अब बैटरी आपके पास कौन सी है ये आपको समझना होगा। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक 12 वोल्ट 7 एच की बैटरी। अब इस पर हमारा दो पॉइंट है, एक नेगेटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो मैं आपको इससे बता रहा था ना कि बैटरी के सामने ही आपको एक वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को आप यहाँ पर लगाए छोड़ सकते हो। नेगेटिव पर एक आप यहाँ पर स्विच को कनेक्ट करना और स्विच का वायर इस पर कनेक्ट कर देना। इससे बैटरी को जब आप चालू करोगे तो बैटरी से चलेगा, और बैटरी ऑफ भी रखोगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कनेक्शन किया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर जो ब्रिज एक्टिफायर से दो वायर आया हुआ है, सेम यही दो वायर आपका यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा। भले ही अगर यहाँ पर हम बैटरी ना भी लगाएं तो भी यहाँ पर पावर हमारा आता रहेगा और ये यूज होता रहेगा, और इसीलिए मैंने आपको स्विच वाले को ऑप्शन जो है वो मैंने यहाँ पर देना आपको अच्छा समझा। तो चलो अब इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और फुल टेस्टिंग देखते हैं कि कैसा टेस्टिंग चल रहा है। मैं आपको कट ऑफ भी करके दिखाऊंगा, लाइन को बंद भी करके दिखाऊंगा, और साथ ही बैटरी से भी चला करके दिखाऊंगा। वैसे बैटरी की वोल्टेज काफ़ी लो है तो इसे हम चार्ज भी इसी से कर लेंगे, देख भी लेंगे कि चार्ज भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो फुल सेटअप करते हैं, थोड़ा कैमरे को एडजस्टमेंट करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। अब मैंने बैटरी को यहाँ पर लगा दिया, साथ ही यहाँ पर कनेक्शन जो है वो भी कंप्लीट मैंने कर दिया है। अभी चलो सबसे पहले बैटरी का जो वोल्टेज है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसके बाद इसे करेंगे स्टार्ट। अभी यहाँ पर बैटरी को चेक करते हैं यहाँ पर कितना वोल्टेज है, वो मैं आपको यहाँ पर अभी लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखो अभी जो इसकी वोल्टेज है वो है 2.2 वोल्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन हम इसे जब स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर वोल्टेज मेंटेनेंस हो जाएगा। और अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्स केबल को इनपुट करते हैं। मैं यहाँ पर पावर को कर रहा हूँ ऑन, यहाँ पर मैंने कर दिया पावर ऑन, और चलो अभी वोल्टेज फिर से देखते हैं कि आप यहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। पॉजिटिव को पॉजिटिव पर लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव पर, ये लगाया ये मैंने। अब यहाँ पर वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो 17.18 वोल्ट के करीब है। तो यहाँ पर आप डायोड का यूज कर सकते हो या स्टेप डाउन जो बूस्टर मॉड्यूल होता है, स्टेप डाउन मॉड्यूल होता है, उसे आप यूज कर सकते हो। देखो जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा जो ये एम्पलीफायर है मॉड्यूल है ये हमारा 18 वोल्ट भी आसानी से ले लेगा, लेकिन बैटरी यहाँ पर नहीं लेगा। और एडाप्टर से भी चलाने का तरीका मैं
टेस्टिंग के बाद मैं बता दूंगा कि आप उसे किस तरीके से चला पाओगे। तो चलो आप यहाँ पर कोई म्यूजिक को प्ले करते हैं और देखते हैं कैसा साउंड क्वालिटी आता है, कैसा ये काम करता है। और यहाँ पर देखो ओक्स का जो साइन है हेडफोन का वो आ चुका है। म्यूजिक मैं यूज कर रहा हूँ, अगर आपके पास ये कॉपीराइट क्लेम का जाता है तो आप इसे रिमूव कर सकते हो या आप कॉपीराइट दोगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर कॉपीराइट आएगा तो यहाँ पर म्यूट कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि मैं साथ साथ भी बोलूँगा तो इससे भी जो म्यूजिक है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसे फ़ोन को क्या करते हैं, फ़ोन को हम रख देते हैं साइड पर यहीं पर, जिससे आपको भी ये क्लियर दिखता रहेगा और आपको मैं टेस्ट करके भी दिखाता रहूँगा। तो यहाँ पर म्यूजिक को करते हैं प्ले। ये मैंने म्यूजिक को प्ले किया, अभी साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ से पोटेंशियोमीटर से वॉल्यूम कम है। मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, आप इसका साउंड जो है वो आप लोग सुनना। यहाँ से लगता है साउंड कम है, इसे भी यहाँ से करते हैं फुल। फोन से मैंने फुल कर दिया साउंड, अब यहाँ से बढ़ाएंगे और बीच बीच में मैं बोलता भी रहूंगा जिससे कॉपीराइटेड का इशू थोड़ा ना पड़े। थोड़ा पार करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसका फ्लो देख सकते हो कितना पंच इसका काफी तेज है, देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखा भी रहा हूँ और कोई भी साउंड क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा या खराब का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये स्पीकर काफी अच्छे हैं। ये देखो साउंड की बात करें तो साउंड आपको एक नंबर मिलेगा, मतलब जैसा आपको साउंड चाहिए वैसा ही आपको यहाँ पर साउंड मिलेगा। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हो बैटरी भी यहाँ पर कनेक्ट है, लेकिन यही बात है कि बैटरी हमारी थोड़ी लो है जिसकी वजह से ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम देगा। लेकिन क्या करते हैं इसे थोड़ा मैं ऑफ करता हूँ अभी, मैं तब तक बता देता हूँ जब तक ये बैटरी थोड़ा चार्ज होगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप किस तरीके से जो बैटरी का जो कनेक्शन है वो आप मतलब एडाप्टर के साथ कर पाओगे। तो एडाप्टर का कनेक्शन सबसे आसान है, बस आप लोग क्या करना है, यहाँ पर जो ब्रिज एक्टिफायर का जो कनेक्शन कि मैंने किया हुआ है तो यहाँ तक कनेक्शन आपको करना ही नहीं है। बस यहाँ पर देखना, ये जो सिंगल डायोड है ये यहाँ पर रहेगा, बस ये दो पॉइंट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, बस इस वाले पॉइंट पर आप एडाप्टर का पॉजिटिव या नेगेटिव आप लगा देना। और उससे आपको एक बेनिफिट भी देखने को मिलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर देखो 17 या 18 वोल्ट यहाँ पर हमें इनपुट देखने को मिल रहा है, बट अगर आप यहाँ पर एडाप्टर यूज कर रहे हो तो एडाप्टर पर आपको परफेक्ट 12.6 या अप्रोक्स 14.4 वोल्ट इनपुट देखने को मिल जाएगा, जो आपको बैटरी के लिए काफ़ी बेस्ट होगा और आप उस जगह पर काफ़ी अच्छे से यूज भी कर पाओगे। फिलहाल साउंड काफ़ी अच्छा है और मैंने पूरा आपको कनेक्शन बता दिया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करके वहां भी कमेंट कर सकते हो, जिससे वहां पर क्या होगा कि फोटो या वीडियो के थ्रू मैं आपको वहां सॉल्यूशन दे दूंगा। वैसे मैं पहले इंस्टाग्राम पर देता था लेकिन अब मैं टेलीग्राम पर ही देने लगा हूं क्योंकि इंस्टाग्राम पर काफी डिले हो जाता है, मैं मैसेज को रीड नहीं कर पाता हूं, लेकिन टेलीग्राम पर मैं तुरंत रीड कर लेता हूं और मैं रिप्लाई भी वहां पर दे देता हूं। और तब तक आप लोग साउंड को भी यहां पर सुन सकते हो, साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है। तो देख सकते हो कुछ ऐसा जो साउंड है वो लगभग इस पर आ रहा है। अब चलो यहाँ पर क्या करते हैं, पावर को ऑफ करके देखते हैं। वैसे बैटरी तो चार्ज नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज जो है वो लो था, 2.2 वोल्ट था, और इसे ऑपरेट करने के लिए मैक्सिमम यहाँ पर 8 वोल्ट से लगभग देखा जाए तो लगभग कितना 24 वोल्ट तक यहाँ पर इनपुट हम इस पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर ये काम ना करे तो उसके लिए मैं HGC शॉर्ट्स पर अपलोड कर दूंगा इसका टेस्टिंग, जो मैं दूसरे वाले बैटरी से मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो चुका है। अब चलो यहाँ पर क्या करते हैं, म्यूजिक को साथ में पहले छोड़ देते हैं और उसके बाद मैं पावर कट करूंगा और ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। रुको मैं थोड़ा सा इसे एडजस्टमेंट करता हूँ जिससे आपको बैटरी भी दिखेगा और साथ ही जो एडाप्टर मैंने लगाया है ट्रांसफार्मर वो भी आपको क्लियर दिखेगा। देखो अभी आपको यहाँ पर बैटरी भी दिख रहा है, साथ में यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और टर्न करता हूँ जिससे आपको स्विच भी दिखे, क्योंकि प्रूफ होता है, प्रूफ के साथ में वीडियो को हमेशा अपलोड करता हूँ। अब यहाँ पर म्यूजिक को फिर से प्ले कर देते हैं। तो चलो यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा स्किप हुआ है, लेकिन आप लोग ये मत समझना कि मैं वीडियो को कहीं कट कर रहा हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ, बस नॉइस आ रहा था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर अभी ऑफ किया है। अब चलो यहाँ पर म्यूजिक को प्ले करते हैं फिर से, आप लोग यहाँ पर म्यूजिक को सुन सकते हो, म्यूजिक यहाँ पर प्ले हो चुका है। अब क्या करते हैं, पावर को ऑफ करते हैं, आपके सामने मैं कर रहा हूँ पावर ऑफ।
ये देखो पावर ऑफ मैंने किया हुआ है पर अभी भी ये तो आपने यहाँ पर देखा कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैटरी जो है वो लो था और इसी की वजह से ये थोड़ा रुक रहा था, क्योंकि बैटरी का फुल चार्ज होता तो यहाँ परफेक्ट ये काम करता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि पावर कट करने के बाद भी ये ऑपरेट हो रहा है। ये देखो देख सकते हो यहाँ पर, अगर साउंड को थोड़ा कम करें तो आप लोग यहाँ पर देखो बस। तो आप यहाँ पर देख चुके हो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने आपको टोटली मैंने आपको दिखा दिया कनेक्शन करके भी। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बंद कर दूँ तो यहाँ पर देखो लाइट फिर भी ग्लो करता रहेगा, क्योंकि बैटरी हमारा कुछ चार्ज है जिसकी वजह से यहाँ पर पावर सप्लाई हमारा आ रहा है। अब क्या करो, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप भी चाहते हो कि आपके कॉमेंट पर भी वीडियोज बनाई जाए तो नीचे कॉमेंट कर देना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो कनेक्शन को देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।